परिवार राज। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही समझ आता है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास शो, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि हमारे देश की राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले 100 साल से चला आ रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में न सिर्फ परिवारवाद बल्कि परिवार राज भी कैसे एक के बाद एक नेहरू गांधी परिवार के लोगों में ही हस्तांतरित होते आया है। साथ ही एक और बड़ा खुलासा करते हुए आपको बताएंगे कि जिस कांग्रेस पार्टी को आज गांधी या नेहरू परिवार की जागीर समझा जाता है, वो कभी इन परिवारों की थी ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। साल 2014 में सत्ता में आने से पहले देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और उसे जड़ से मिटाने की बात की थी। लेकिन जिस परिवारवाद की जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो, उसे 10 साल में खत्म नहीं किया जा सकता। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पिछली 5 पीढ़ियों से कांग्रेस में नेहरू और गांधी परिवार का ही दबदबा रहा है और क्यों इस पार्टी में दूसरे बड़े नेताओं को आगे आने नहीं दिया जाता। तो चलिए अब आपको बताते हैं कहां से नेहरू परिवार की पहली पीढ़ी की कांग्रेस में एंट्री हुई और कैसे इस पार्टी पर नेहरू गांधी परिवार ने अपना कब्जा जमा लिया। 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला कांड तो याद होगा आपको, जिसमें जनरल डायर ने अपने सनकी पने के चलते सैकड़ों भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड ने देश के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ बेहद गुस्सा भर दिया था। सारा देश ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। मोतीलाल नेहरू भी उनमें से एक थे। जलियांवाला कांड के तुरंत बाद अमृतसर में जब कांग्रेस की पहली बैठक हुई तो मोतीलाल को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया और उनके नेतृत्व में कांग्रेस इसी गुस्से के सहारे अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी करने लगी। 4 सितंबर 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो मोतीलाल ने उनका समर्थन किया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद नेहरू परिवार की दूसरी पीढ़ी यानी जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस में एंट्री होती है। गिरफ्तारी के 2 साल बाद साल 1922 में जब तक मोतीलाल जेल से बाहर आए तब तक पार्टी कई गुटों में बट चुकी थी। ऐसे में मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी बनाने का मन बनाया और उसका नाम रखा स्वराज। हालांकि ये पार्टी अकेले ज्यादा दिन संघर्ष नहीं कर पाई और साल 1925 में इसका दोबारा से कांग्रेस में विलय हो गया। इसके 3 साल बाद कोलकाता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू को फिर से पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। अगले साल जब मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटने लगे तो लाहौर अधिवेशन में उनकी जगह उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने ले ली और इसी तरह ये पार्टी नेहरू परिवार के लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई। जवाहरलाल नेहरू के हाथ में ये पार्टी इतनी आसानी से नहीं आई थी। इसके लिए मोतीलाल नेहरू को उनके लिए पूरी पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ी थी। ये बात साल 1928 की है। तब मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और वो काफी बूढ़े भी हो चले थे। कांग्रेस समेत पूरे देश में चर्चा चल रही थी कि उनके बाद पार्टी कौन संभालेगा, किसे सौंपी जाएगी कांग्रेस की कमान। इन सब सुगबुगाहटों के बीच मोतीलाल नेहरू ने 15 जून 1928 को महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस अध्यक्ष बनने योग्य हैं, लेकिन सभी समीकरणों पर नजर डाली जाए तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। नेहरू के प्रस्ताव पर गांधी ने जवाब दिया कि अभी समय नहीं आया है कि जवाहर को ये जिम्मेदारी दी जाए। इसके जवाब में 11 जुलाई को फिर से मोतीलाल ने पत्र में गांधी जी को लिखा कि हमारी पीढ़ी खत्म होती जा रही है, आजादी का ये संघर्ष आज नहीं तो कल जवाहर जैसे युवाओं को ही जारी रखना होगा, इसीलिए आपको जवाहर के बारे में सोचना चाहिए। मोतीलाल के इतना आग्रह करने के बाद अगले ही साल 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को पहली बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पता चलता है कि काबिल होने के बावजूद सरदार पटेल पर परिवार राज हावी हो गया और इस तरह देश की राजनीति में पहली बार परिवारवाद की नींव रखी गई, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की। मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहर को अध्यक्ष बनाने के लिए जो जमीन तैयार की थी उसी के चलते जवाहर को अध्यक्ष बनाया गया और वो भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। तब से ही ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और अब तक कांग्रेस परिवार के कुल 6 सदस्य पार्टी अध्यक्ष बन चुके हैं। तो अब ये तो बात हुई नेहरू परिवार की 2 पीढ़ियों की, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपने हाथों में रखा। इसके बाद आई तीसरी पीढ़ी यानी नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी की बारी। वरिष्ठ पत्रकार दुर्गा दास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू आफ्टर में लिखते हैं कि 1955 में नेहरू ने अपने करीबी गुजराती नेता उन देभर को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया।
लेकिन 1959 में डेबर के पद छोड़ने से उन्होंने इंदिरा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल कर लिया, जिसे आज हम CWC के नाम से जानते हैं। पद छोड़ने से पहले डेबर ने अचानक एक मीटिंग बुलाई। सभी को लगा कि वरिष्ठ नेता एस निजलिंगप्पा अध्यक्ष बनेंगे। डेबर ने जब नेताओं को बताया कि मीटिंग अगले अध्यक्ष को लेकर है, तो के कामराज बोले कि ये तो तय हो चुका है। तब शास्त्री जी उठे और बोले कि इंदिरा जी को अध्यक्ष पद के लिए पूछा जा सकता है। उस वक्त कुछ नेताओं ने इंदिरा की तबीयत को लेकर सवाल खड़े किए। तब झटक कर नेहरू बोले, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इंदू'स हेल्थ। बस फिर क्या था, बहस खत्म और इंदिरा निर्विरोध पार्टी की अध्यक्ष चुन ली गई। जिस तरह मोतीलाल नेहरू ने अपने सामने जवाहर को पार्टी की कमान सौंपी थी, ठीक उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने अपने सामने इंदिरा को कांग्रेस की कमान सौंप दी थी। इसके बाद 1978 में इंदिरा दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनी और निधन से पहले तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर बनी रही। राजनीतिक विश्लेषक कुमार केतकर की माने तो 1968 में निजलिंगप्पा कांग्रेस अध्यक्ष बने। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया, क्योंकि इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी, ये बात सारा देश जानता था। अब बात करते हैं नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी, जिसके हाथ कांग्रेस की कमान गई। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अचानक उनकी मौत के बाद पीएम पद और पार्टी अध्यक्ष के लिए प्रणब मुखर्जी समेत कई बड़े नेता कतार में खड़े थे, लेकिन इंदिरा के बेटे राजीव गांधी को उसी शाम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और 1991 में राजीव की हत्या होने तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी उनके पास रहा। इस तरह एक बार फिर पार्टी के सामने अध्यक्ष पद के लिए संकट खड़ा हो गया था। अब पति राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी को राजनीति में एंट्री का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। पार्टी के बड़े और वफादार नेता उनसे आग्रह करते रहे, लेकिन फिर भी वो पूरे 7 साल तक राजनीति से दूर रही। 1996 में पीवी नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने। उनके अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई और राजेश पायलट, शरद पवार जैसे नेताओं से केसरी का टकराव होने लगा। पार्टी की अंदरूनी कलह को देख सोनिया ने कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेने पर हामी भर दी। इसके लिए साल 1997 में उन्होंने कोलकाता अधिवेशन में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली, लेकिन तब केसरी अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके लिए सोनिया ने CWC में गांधी नेहरू परिवार के वफादार नेताओं की मदद ली और विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सोनिया को पार्टी प्रमुख नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC ने 6 अप्रैल 1998 को इसकी औपचारिक जानकारी दी। तो इस तरह गांधी नेहरू परिवार का एक और सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। हालांकि अध्यक्ष पद की राह सोनिया के लिए इतनी आसान नहीं थी। 15 मई 1999 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी को विदेशी मूल का बताकर उनके पीएम उम्मीदवार बनने का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद सोनिया ने CWC को भावुक पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोनिया ने अपने पत्र में लिखा था, भले ही मेरा जन्म विदेशी धरती पर हुआ था, लेकिन मैंने भारत को अपना देश चुना है। मैं आखिरी सांस तक भारतीय ही रहूंगी। भारत मेरी मातृभूमि है और मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। सोनिया ने इस्तीफा दिया तो कई नेताओं को वफादारी दिखाने का सुनहरा मौका मिल गया। दिग्विजय सिंह, शीला दीक्षित और अशोक गहलोत जैसे बड़े नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भूख हड़ताल करने लगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की सोनिया से इस्तीफा वापस लेने की मांग जोर पकड़ने लगी। इसके बाद 20 मई 1999 को CWC ने पवार, संगमा और अनवर को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। इस फैसले के बाद सोनिया ने अपना इस्तीफा वापस लिया और 5 दिन बाद फिर से अध्यक्ष पद पर उनकी ताजपोशी की गई। इसके बाद पूरे 19 साल से ज्यादा समय तक सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही। साल आया 2014, मोदी लहर चल रही थी, लिहाजा कांग्रेस बुरी तरह लोकसभा चुनाव हार गई। राज्यों में भी लगातार कांग्रेस की सरकारें गिरती जा रही थी। पार्टी का पतन होते देख सोनिया की भी तबीयत खराब रहने लगी। ऐसे में उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया। साल 2017 में जयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में जिस नए अध्यक्ष का चयन हुआ, वो थे राहुल गांधी। तो इस तरह छठी बार कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के पास ही रही, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस की हालत और खराब होती चली गई। जब तक पार्टी को समझ पाती, तब तक पूरे देश में शासन करने वाली कांग्रेस महज 2-3 राज्यों पर ही सिमट कर रह गई। राहुल के अध्यक्ष बनने के बावजूद हार का सिलसिला जारी रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में जबरदस्त हार के बाद पार्टी वेंटिलेटर पर आ गई। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया
और पहली बार ये माना कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा नए लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी, इसलिए मैं पद छोड़ रहा हूँ। करीब 3 साल पार्टी बिना किसी अध्यक्ष के संघर्ष करती रही। इस बीच कमान एक बार फिर से सोनिया गांधी के हाथ में रही, लेकिन आखिरकार 2022 में पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने चुनाव लड़ा। गांधी परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद पर बिठाना चाहता था और वही हुआ। हालांकि भले ही पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में थी, फिर भी उनके हर फैसले में गांधी परिवार की ही झलक दिखती थी। पर चाहे संगठन में नेताओं का चुनाव हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जानकारी साझा करना हो, यही लगता रहा कि बोल मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हैं, लेकिन पटकथा कोई और लिख रहा है। उनके हर फैसले में राहुल गांधी का हाथ देखा जाता रहा और इसी वजह से एक एक कर पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ गए। राहुल का विरोध करने वाले कांग्रेस के G23 गुट के हर बड़े नेताओं को नुकसान उठाना पड़ा, फिर चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या फिर कपिल सिब्बल। अब बात करें 2024 के चुनाव की, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया का नेतृत्व भले ही कांग्रेस कर रही हो, लेकिन गठबंधन का हर नेता खुद को पीएम बनते देखना चाहता है। वही कांग्रेस ने भले ही अभी तक अपना पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री उम्मीदवार राहुल गांधी ही होंगे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में भी राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी का ही अहम रोल रहा है। ऐसे में साफ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही गांधी परिवार का हो या ना हो, पार्टी के सभी बड़े फैसले तो गांधी परिवार ही ले रहा है, और पार्टी सत्ता में आए या ना आए, ये सिलसिला इसी तरह अगले 100 सालों तक चलता रहेगा। तो फिलहाल इस शो में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।